वाराणसी की ज्ञान बापी मस्जिद को लेकर अभी कोर्ट केस चल ही रहा था कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर एक नई याचिका दायर हो गई है। इसमें जमीन के मालिकाना हक की मांग की गई है। मथुरा डिस्ट्रिक्ट जज राजीव भारती ने याचिका की सुनवाई को मंजूरी दे दी है। माना जाता है कि शाही ईदगाह मस्जिद को 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में स्थित मंदिर को तुड़वा कर बनवाया था। यह मस्जिद कटरा केशव देव मंदिर के पास है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म इसी मंदिर परिसर में हुआ था। पूरा विवाद कुछ 13 एकड़ जमीन को लेकर है। इस विवाद को लेकर मथुरा की स्थानीय अदालतों में कम से कम एक दर्जन से भी ज्यादा केस फाइल हो चुके हैं। इन सभी याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को वहां से हटाने, मस्जिद का सर्वे कराने और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। साल 1946 में जुगल किशोर बिरला ने जमीन की देखरेख के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया था। साल 1967 में जुगल किशोर की मृत्यु के बाद साल 1968 में ट्रस्ट ने मुस्लिम पक्ष से एक समझौता किया था और शाही ईदगाह मस्जिद का पूरा मैनेजमेंट मुस्लिमों को सौंप दिया। लेकिन याचिकाकर्ताओं का मानना है कि 1968 का ये समझौता धोखाधड़ी से किया गया था जो कि कानूनी रूप से इनवैलिड है। याचिकाकर्ताओं का मानना है जिस जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वह ईदगाह मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी की ओर से बनाए गए कंस्ट्रक्शन के नीचे भी स्थित है। अब खुदाई के बाद ही सही तथ्य सामने आ पाएंगे। साल 2020 में वकील रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण विराजमान के परिजनों की ओर से ये मुकदमा करने का दावा करते हुए 6 लोगों के साथ मिलकर शाही ईदगाह मस्जिद को मंदिर परिसर से हटाने के लिए सिविल कोर्ट में एक याचिका डाली थी। भारतीय कानून के मुताबिक एक देवता को नेचुरल पर्सन के बजाय एक न्यायिक पर्सन माना जाता है। देवता को एक नाबालिग जैसा ट्रीट किया जाता है और कोर्ट में भी पुजारी के माध्यम से अपना केस लड़ सकते हैं। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।